नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और वक्त हो चला है खबर झारखंड का। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जमकर पुलिस की लाठियां बरसी। नौकरी और भूमि अधिग्रहण बिल जैसे मुद्दों की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झारखंड विधानसभा के घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बिरसा मुंडा चौक पर रोक लिया। रोके जाने से प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता उग्र हो गए। कांग्रेसियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि पानी की बौछार भी कांग्रेसियों को नहीं रोक पाई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बुरी तरह पीटा है, कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ता नौकरी, भूमि अधिग्रहण समेत कई मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतरे। सूरज चढ़ने के साथ साथ विरोध का पारा भी चढ़ता गया। विधानसभा घेराव की कोशिश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ विधानसभा घेराव के इरादे से आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने उन्हें बिरसा मुंडा चौक पर रोक लिया। विधानसभा सामने वाली सड़की 2 घंटा से बाधित कर रखा था, 3 घंटा से। उग्र हुए प्रदर्शनकारी, पुलिसिया व्यवस्था को कांग्रेसियों ने तहस नहस करने की कोशिश की। पुलिसिया घेरे को तोड़ डाला गया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग टूटी यानी कानून व्यवस्था को चुनौती भी दी गई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की, लेकिन कार्यकर्ताओं को यह मानसून की बारिश की तरह लगी। पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ते रहे। लोग काफी उग्र हो गए थे, बीच में पत्थर वगैरह फेंकने लग गए थे। पुलिस ने जब अरेस्ट करने का प्रयास किया, जो 20-30 लोग थे, तो इधर जो कार्यकर्ता खड़े थे उन्होंने पत्थरबाजी की, तो फिर पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा ताकि वो भीड़ डिस्पर्स हो। कई जवानों को भी चोट लगी है, थाना प्रभारी को भी चोट लगी है। तो जो पत्थर चला उसके कारण हमें बल प्रयोग करके अभी भीड़ को हटाया गया। पानी से काबू की कोशिश नाकाम, पानी की बौछार की कोशिश जब नाकाम हो गई तो शुरू हुआ लाठी चार्ज। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बुरी तरह पीटा, जमकर लाठियां पड़ी। लाठी के जोर के आगे विरोध का शोर थम गया और शुरू हो गई लाठी से बचने की कवायद। पुलिस का लाठी सिस्टम काम आ गया, भीड़ भाग खड़ी हुई, लेकिन भागते समय कौन किसकी चिंता करता है। सड़कों पर छूटे जूते चप्पल, सड़क पर चप्पल और जूते बिखरे पड़े रहे जैसे मानसून की जोरदार बारिश के बाद कचरा। मानसून सत्र के दौरान सड़क से लेकर सदन तक संग्राम दिख रहा है, लेकिन असली मुद्दे गुम। आखिर कब थमेगा ये महाभारत। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। उधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर कांग्रेसी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि इस मुद्दे को कल विधानसभा में उठाया जाएगा। शर्म आनी चाहिए, ये राजधानी का प्रशासन अगर इतना जाहिलों के हाथ में है तो भगवान ही मालिक है कि आने वाला दिन में क्या यहाँ घटना घटेगी। रघुवर तो नहीं चेतेंगे, हम जानते हैं, लेकिन हम लोग भी तैयार हैं। ये लड़ो या मरो की लड़ाई हम भी लड़ेंगे। हम अहिंसक जरूर हैं, लेकिन यही तकाजा है कि जब भी सरकार नहीं सुनती है, अंधा या बहरी हो जाती सरकार, तो सड़क में उतर कर आवाज हम लोग देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में वो आवाज को बंद करने के लिए आज की वर्तमान सरकार जो काम किया है बहुत ही शर्मनाक है। और कल झारखंड विधानसभा में इस बात को हम लोग, हमारे साथ डॉक्टर इरफान अंसारी, सारे विधायक ने, हम इस बात को उठाने का हम लोग काम करेंगे। क्या पिछले सत्र की तरह मॉनसून सत्र भी हंगामे की वजह से एक बार फिर समय से पहले खत्म हो जाएगा? क्या सदन चलना एक अबूझ पहेली बन गया है? क्या विधानसभा अध्यक्ष की सदन चलाने की हर कोशिश नाकाम ही होगी? ये सवाल इसलिए कि महज 6 दिनों के मॉनसून सत्र में लगातार 3रे दिन भी हंगामा हुआ। जमीन की जंग में एक दिन और सदन हार गया। जनता के मुद्दे गौण, सदन में सिर्फ हंगामा ही हंगामा। 3 दिन काम की कोई बात नहीं। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। हमारी सरकार है।
तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। नतीजा सदन में काम की बात नहीं, सिर्फ हंगामा ही हंगामा। सदन को चलाने की विधानसभा अध्यक्ष की हर कोशिश नाकाम नजर आई। पहले दो दिन की तरह तीसरे दिन भी सदन ठप रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संशोधन की आड़ में आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। भूमि अधिग्रहण कानून को सरकार अविलंब रद्द करे और उस पर बहस करे, चर्चा करे, और हम साबित कर सकते हैं कि ये कितना भयावह और कितना खतरनाक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, पिछले समय भी आपने देखा होगा कि जब सीएनटी एसपीटी में संशोधन हुए थे तो सरकार इसी प्रकार की थोथी दलीलें दे रहे थे। आगजनी हुई, घटनाएं हुई, लोगों की जान गई, सदन ना चला, फिर सरकार ने वापस लिया। इस संशोधन को भी सरकार वापस लेगी। विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है तो सत्ता पक्ष भी भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर झुकने को तैयार नहीं है। या इस प्रकार के तानाशाही कृत्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में हम पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राज्य के 3.25 करोड़ लोगों का जो अपमान हो रहा है। मानसून सत्र को छोटा सत्र बताने वाले विपक्ष के विधायक भी जमीन के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। पिछले कई सत्र से सदन हंगामे की भेंट लगातार चढ़ रहा है। हंगामे के नाम पर एक और दिन जाता रहा, विधायकों की जिद और हंगामा जीतता जा रहा है और जनता और उनके मुद्दे हारते दिखाई दे रहे हैं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। हंगामा और बवाल क्या झारखंड के विपक्ष और विधानसभा का हिस्सा बन गया है? मुद्दों पर हंगामा हो तो बात और है, लेकिन हंगामे के मुद्दे पर सदन का समय जाया हो तो क्या कहेंगे? भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के साथ साथ स्वामी अग्निवेश की पिटाई के मामले पर सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। और ये केवल अध्यक्ष महोदय, अगर यही स्थिति रही तो बुधवार को भी झारखंड विधानसभा में बवाल। कारण बने स्वामी अग्निवेश, जिनके साथ पाकुड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी। शायद जनता के मुद्दों से ज्यादा विपक्ष को स्वामी अग्निवेश की पिटाई में माइलेज मिलता दिखा। कार्यवाही शुरू होने के बाद 12 मिनट किसी तरह बर्दाश्त किए, फिर शुरू हुआ हंगामा। सुना तो जाए, को लगता है कि ये पूरा 125 करोड़ की ये देश नहीं है, बल्कि चंद लोगों की ये देश है। विपक्ष का शोर स्पीकर सुनते रहे, समझाते रहे। माननीय सदस्यगण, हम सबको विचार करना चाहिए कि प्रश्नकाल चले कि नहीं चले, कि इसी तरह से हम लोग विषय को उलझा कर रखें। मान मनवल की कोशिशें नाकाम रही, कार्यवाही स्थगित होती रही, उन्हें समझाने का समय भी दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ मुंडा ने भी विपक्ष को कार्रवाई का भरोसा दिया। चूंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है कि लोकतंत्र में इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसका निश्चित रूप से सरकार, जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। अग्निवेश की पिटाई पर सरकार ने फौरन कार्रवाई की। डीआईजी और कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा गया। कोशिशें नाकाम रही। पूरे दिन को विपक्ष अग्निवेश के नाम करने की ठान के आया था। ये समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। छो नहीं है ना समाज से भी है ना संत है, एक लाइन में बोलूंगा, विदेशी दलाल है। ये जो डीआईजी और कमिश्नर की जांच है, हमें लगता है कि यह लीपाप होती है। 10 लोगों को पकड़ा गया, जो वीडियो फुटेज में आया था, जो सार्वजनिक हुआ था, मार करके जो सड़कों पर चल रहे थे, इनके कहने पर उन्हें छोड़ा गया। दिन बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, लेकिन विधानसभा की दहलीज पर हंगामे की सूरत नहीं बदलती। 6 दिन में 3 दिन यूं ही चले गए, मुद्दे गौण रहे, सदन की गरिमा से मजाक होता रहा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश की पिटाई मामले पर सियासत गरम है। विपक्ष मसले को तूल देने में जुटा है। कांग्रेस और जेवीएम के नेताओं ने अग्निवेश से मुलाकात की। इधर अग्निवेश ने भी पत्रकारों से बात की और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
80 साल की उम्र में मुझे आज पहली बार इस प्रकार की चीज कर झेलना पड़ रहा है। पाकुड़ में जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद अग्निवेश को भी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के वो निशाने पर आए। राज्य सरकार ने तुरंत कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और DIG को जांच का जिम्मा सौंपा। लेकिन अग्निवेश ने जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की। आप कहेंगे कि इनको कुचल देंगे, मार देंगे, उनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजों को रखने के लिए मैं पत्रकारों से बात करके कि हम हिंसा के खिलाफ है। तो क्या अग्निवेश को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, उस सिस्टम पर जिसे अपने आने की कोई खबर नहीं दी थी और घटना के फौरन बाद कार्रवाई की थी? अभी डीसी साहब से बात हुई, उनका भी कहना है कि किसी तरह का कोई सिस्टम हम लोग नहीं। सवाल है कि क्या अग्निवेश ने किसी के इशारे पर बयान दिया? अग्निवेश को क्या सिस्टम पर भरोसा नहीं? कौन लोग अग्निवेश से खफा हैं? इधर स्वामी अग्निवेश की पिटाई पर विपक्ष भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय और JVM अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उनसे मिलने पहुंचे। इससे बड़ी और दुखद क्या घटना हो सकती है, बिना कारण के किसी के ऊपर मारपीट करना। ये तो अगर वहाँ प्रेस के लोग नहीं होते तो मैं समझता हूँ आज से हम लोगों से मिलने का भी मौका नहीं मिलता। हम इस पर सही में न्यायिक जांच की मांग करते हैं, क्योंकि स्वामी अग्निवेश कोई झारखंड के नहीं है, पूरे देश के एक चेहरे हैं। बेशक हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं, पाकुड़ में अग्निवेश की पिटाई षड्यंत्र था या फिर सियासी स्टंट जांच का विषय। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की वजह से बंगाल के मालदा से भागकर बोकारो में 35 जनप्रतिनिधियों ने शरण ली है। ये सारे BJP समर्थित चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। TMC में शामिल हो जाओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। लगातार इन धमकियों से ये लोग इतने परेशान हो गए कि आखिरकार अपने शहर को ही अलविदा कह दिया। बोकारो में बंगाल के शरणार्थी, BJP के 35 जनप्रतिनिधियों ने ली शरण। ममता के डर से मालदा से पलायन, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी, तृणमूल में शामिल करने का बनाया जा रहा दबाव। बंगाल के मालदा से भागकर बोकारो आए हुए ये लोग बंगाल में BJP के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। खौफ का साया इतना बड़ा है कि दिन में ही गेट पर ताला जड़कर अंदर दुबक कर बैठे हुए हैं। किसी भी आहट और दस्तक से इनका डर और भी गहरा हो जाता है। वजह TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से ये लोग यहाँ भी खौफजदा हैं। घर में रहेंगे तो जान से मरेगा, नहीं तो कहाँ किडनैपर का उठा कर लेके जाएगा, हम लोग बहुत दिक्कत हो जाएगा। BJP का जो गठबंधन हम नहीं कर सकेगा। हम लोगों को अगर मार डाले कोई बात नहीं, देश के लिए हम जान देने के तैयार हैं, लेकिन हमारा फैमिली है जिसको जेल में डाल रहा है। दरअसल मालदा में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में BJP के बैनर तले चुनाव लड़ इन लोगों ने जीत हासिल की थी। अब वहाँ ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में TMC के कार्यकर्ता लगातार उन्हें अपने पाले में करने के लिए धमकी दे रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। लिहाजा भाग कर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। 35 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कुल 54 की संख्या में लोगों ने यहाँ शरण लिया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिससे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ममता बनर्जी के राज में आवाज उठाने की मनाही है। जनता की आवाज हिटलर ममता को पसंद नहीं, तृणमूल कांग्रेस के सामने उन्हें कोई दूसरी पार्टी का अस्तित्व मंजूर नहीं, क्योंकि ये तस्वीर यही कहानी बयां कर रही है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। खूंटी के कोचांग में 18 जून को 5 युवतियों के साथ हुए गैंगरेप घटना के एक मुख्य आरोपी जुनास मुंडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंडू को रनिया के सरबो गांव से गिरफ्तार किया गया है। ये PLFI का एरिया कमांडर भी है। गैंगरेप के आरोपी बाजी समद उर्फ टकला की गिरफ्तारी के बाद ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। टकला की निशानदेही पर पुलिस को ये सफलता मिली है। जुनूस मुंडू के पास से गैंगरेप घटना में शामिल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। SP ने दावा किया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहाँ कोचांग में
सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना घटी थी उसका एक प्रमुख अभियुक्त जुनास मिंडू जो हथनादा का रहने वाला है जिला चायवासा का, उसे खूंटी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर में एक लड़की को मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। लड़की को एक मोबाइल दुकान के स्टाफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि पटेल चौक की इस दुकान से लगातार 3 दिनों से चोरी हो रही है। सीसीटीवी के जरिए लड़की की हरकतों पर स्टाफ को शक हुआ। बुधवार को भी लड़की चोरी के इरादे से आई और करीब 16,000 रूपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद दुकान के कर्मचारियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इधर 3 दिनों से लगातार एक मोबाइल दो मोबाइल यहाँ से चोरी हो रही है सारा एकदम। एक लड़की आ रही है, हमको बताए नहीं स्टाफ लोग चोरी हो रहा है, लोग बोला कि हाँ भैया चोरी हो रहा है। हमने स्टॉक कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग, तो हमने सारा कल स्टॉक मेंटेन किया, तो फिर ये फिर कल आई 7:30-8 बजे लगभग एक लड़की, और फिर वो सारा एकदम आहिस्ता से सारा वीडियो क्लिप है हमारे पास। हमारा है लड़की है कहीं बाहर की, नाम पता नहीं बता रही है, मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी करने का काम करती थी, उसमें उसको कुछ तस्करी अभी ले जा रहे हैं, जांच में जो आएगा तो कैसा कार्रवाई किया जाएगा। बुध नहीं रहा शुभ। सरायकेला खरसावां खूंटी और सरायकेला खरसावां से ये 3 तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर पुल से कूदकर एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। शव कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर नदी घाट से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला की शादी 2 महीने पहले हुई थी और पति से प्रताड़ित होने के बाद उसने नदी में कुएं में कूदकर जान दे दी। पति फरार है। खूंटी में एसपी दफ्तर के पास कामता गांव में 2 महिलाओं की करंट लगने से मौत हो गई। महिलाएं खेत में काम कर रही थी और तभी खेत के ऊपर लटक रहे तार को बच्चे ने छू लिया। खेत में काम कर रही बच्चे की मां और दादी ने देखा तो उसे बचाने पहुंचे। लड़का तो बच गया लेकिन दोनों की करंट लगने से मौत हो गई। फिलहाल बच्चा जख्मी है। वहीं रायकेला थाना क्षेत्र के गुदुसाई गांव में एक भतीजे की बुरी नीयत से घर में घुसे चाचा की हत्या कर दी।